माता द्रौपदी तारा, कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्याः स्मरण नित्यम महापातक नाशिनी। अहिल्या का अर्थ है वो भूमि जिस पर हल नहीं चला हो। रामायण के उत्तरकांड में साक्षात ब्रह्मा ने इसका अर्थ निर्दोष रूप बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सृष्टि की सुंदरतम रचनाओं से तत्व लेकर उन्होंने अहिल्या की रचना की। इस प्रकार अहिल्या का अर्थ हुआ कुंवारी। तो क्या इस नाम के आधार पर अहिल्या को चिरकुंवारी बताया गया? ऐसा नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि ब्रह्मा ने ये नाम विवाह के पहले ही दे दिया था। उस समय वो सचमुच कुंवारी थी। बाद में स्थितियां बदली, अहिल्या का विवाह हुआ और उसके बच्चे भी हुए। गौतम ऋषि के अलावा किसी अन्य से समागम भी हुआ। तब वो कुंवारी कैसे हुई? उसे पंच कन्याओं में स्थान कैसे मिला? दरअसल हुआ ये कि अहिल्या ने सोच समझकर कोई भूल नहीं की। वो पितृसत्ता की शिकार हुई। देवराज इंद्र ने उसे पाने की लगातार कोशिश की, उसके एकांत का लाभ उठाने का प्रयास किया। अहिल्या जब उद्यान में पुष्प लेने गई तो वे देवराज इंद्र ही थे जिन्होंने उसे अपना शिकार बनाने का प्रयास किया। उस समय पति गौतम ऋषि को अहिल्या पर ही संदेह हुआ। देवी अहिल्या, आपने जिस उद्यान में प्रहरी को मना करने की बात कही उसे मैंने स्वयं लगाया है। एक एक पुष्प मैंने ही रोपे हैं। वो कुटिया जिसमें प्रहरी को आमंत्रित कर रहा था उसे मैंने ही बनाया था, तो कोई प्रहरी वहाँ कैसे आ गया? मैं कैसे बता सकती हूँ स्वामी, आपने तो स्वयं देखा। मैंने नहीं देखा, वहाँ कोई प्रहरी नहीं था और ना उसके स्वर सुनाई पड़े। मुझे भी आश्चर्य हुआ, लगता है आपके आने से वह भयभीत हो गया। पर क्यों, मुझसे भयभीत क्यों होगा? कहीं आपसे उसका कोई परिचय तो नहीं रहा है? आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं स्वामी। यदि आपने इतनी सिद्धियां प्राप्त की है तब भी क्या सत्य आपसे छुपा है? अपने अंतर्ज्ञान से उसका पता क्यों नहीं लगाते? मैंने जो साक्षात देखा उसके लिए अंतर्ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। देवी, मैं आप पर कोई संदेह नहीं कर रहा, लेकिन कोई है जो आपके माध्यम से कामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। ये क्या कह रहे हैं? क्या सच बताकर मैंने कोई भूल कर दी? क्या आपने किसी पराये पुरुष को मेरे साथ देखा है? क्या आपने मुझे किसी अन्य से बात करते देखा है? यदि नहीं तो मुझ पर संदेह का क्या कारण है? आप क्रोधित ना हो देवी, मैंने जो भी कहा उसमें मेरा कोई दुराग्रह नहीं है। ऋषि गौतम की बातें सुनकर अहिल्या की आंखें भर आईं। उसके पति गौतम ऋषि ने पहले उसे संदेह की दृष्टि से देखा था। वैसे वे आयु में अहिल्या से बहुत बड़े थे। अहिल्या की आयु चाहे जितनी भी हो वो 16 साल की ही दिखती थी। प्रजापति ब्रह्मा ने उसे कुछ ऐसा ही वरदान दिया था। हो सकता है कि उसकी आयु कम होने के कारण ऋषि का उसके प्रति शंका करना स्वाभाविक था, किंतु अहिल्या पर इसका क्या प्रभाव होगा उन्होंने इसकी कल्पना तक नहीं की थी। दूसरी ओर देवराज इंद्र पुष्प लेने गई अहिल्या को पाने में असफल रहे। अब वो कोई दूसरा उपाय ढूंढने लगे। इसी क्रम में वे चंद्रदेव के पास पहुंचे। आपकी शीतलता ने मुझे अपने आकर्षण में बांध लिया चंद्रदेव। आपके पास आकर मेरे मन को बहुत शांति मिली। आप तो सदैव शांत ही रहते हैं देवराज, ऐसी अशांति क्या है जो मुझ में शांति ढूंढने चले आए? कैसे बताऊं, मन की गति बहुत विचित्र है चंद्रदेव। जहां ठहर जाता है वहां से निकलता ही नहीं। बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? अहिल्या को आप जानते होंगे, प्रजापति ब्रह्मा की पुत्री। और गौतम ऋषि की भारिया, क्या हुआ उन्हें? अहिल्या का विवाह मुझसे होने वाला था किंतु नहीं हो सका। गौतम ऋषि ने प्रजापति का विश्वास जीत लिया और उन्होंने अहिल्या जैसी सृष्टि की सर्वाधिक सुंदर कन्या का विवाह एक वनवासी से कर दिया। अहिल्या उनकी पुत्री है और अपनी पुत्री के विवाह का निर्णय तो उन्हें ही लेना था। उनके निर्णय पर प्रश्न नहीं उठा सकते। मुझे उनके निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं है चंद्रदेव। मैं अहिल्या से मिलना चाहता हूँ, बस एक बार उससे मिलना चाहता हूँ, और इसके लिए आपकी सहायता चाहता हूँ। कैसी सहायता? आपको गौतम ऋषि को रात्रि के तीसरे पहर में चौथे पहर का बोध कराना है। इससे क्या होगा? और मैं ये कैसे कर सकता हूँ? ऋषि गौतम कोई साधारण ऋषि नहीं है, वे मंत्र दृष्टा है। सत्य ऋषियों में उनकी गिनती होती है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के गुरु हैं।
वैसे सिद्ध ऋषि की पत्नी के साथ आप ऐसे व्यवहार कैसे कर सकते हैं देवराज? मैं देवताओं का राजा हूँ चंद्रदेव, आप अपने राजा की भावनाओं का अनादर नहीं कर सकते। गौतम ने मेरा अधिकार छीना है, यदि मैं चाहूँ तो उन पर बल प्रयोग कर सकता हूँ, किंतु मैं मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहता। आप मेरा साथ दे सकते हैं या नहीं स्पष्ट बताएं। चंद्रदेव धर्म संकट में पड़ गए, वे ना नहीं कर सकते थे, तो अंततः उन्होंने साथ देने का वचन दिया। किंतु चंद्र की नैतिकता बाधा बन गई, वो इंद्र से छुपकर रहने का प्रयास करते, किंतु कब तक? देवराज इंद्र ने अपनी अप्सरा उर्वशी को उनका पता लगाने के लिए भेजा। उर्वशी तीनों लोकों का भ्रमण करती रही, किंतु चंद्र का पता नहीं चला। दूसरी ओर देवराज की दृष्टि लगातार अहिल्या पर बनी रही। एक दिन गौतम ऋषि अहिल्या के साथ वन विहार के लिए निकले। देखिए स्वामी, कितना सुंदर है ये हंस। सुंदर है, किंतु हम इसे हंस कैसे कह सकते हैं देवी अहिल्या? क्यों, हंस ही तो है स्वर्णिम हंस। स्वर्णिम हंस एक भ्रम है देवी, माया है जो सदैव आकर्षित करता है। किंतु स्वामी, ये तो साक्षात दौड़ता भागता पक्षी है, मैं इसे पकड़कर आती हूँ। पकड़ना संभव नहीं है, किंतु आप प्रयास तो कर सकती हैं। अरे अरे, ये तो अदृश्य हो गया, कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। यही तो बता रहा था, स्वर्णिम हंस होता ही नहीं है, उसके पीछे भागना व्यर्थ है, केवल माया है। ओ, अभी हमने जो देखा वह क्या था? आपने अपने मन में स्वर्णिम हंस का निर्माण कर लिया था, किंतु जैसे ही आपने उसे पकड़ना चाहा, वो अदृश्य हो गया। अहिल्या चकित हुई, ऋषि ने ऐसा क्यों कहा और इसके माध्यम से वे क्या कहना चाहते थे वो समझ नहीं सकी, किंतु कामनावश अहिल्या के पीछे लगे इंद्र समझ गए। अब वे सावधान हुए, पर उनकी कामना नहीं गई। दूसरी ओर चंद्रलोक में उर्वशी ने चंद्रदेव को ढूंढ लिया और उन्हें सम्मोहित करने में सफल हुई। उसके आकर्षण में बंधे चंद्रदेव इंद्रलोक चले आए। देवराज ने उन्हें देखा तो प्रश्न किया, कहाँ छुप गए थे चंद्रदेव? क्या नैतिकता और अनैतिकता के प्रश्नों में उलझ गए थे? सत्य तो यही है देवराज, मैं नहीं चाहता कि ऋषि गौतम का कोप भाजन बनूं। आप उस वनवासी ऋषि का कोप भाजन तभी बनेंगे जब उन्हें पता चलेगा हमारा सत्य उनसे सदैव अज्ञात रहे। ये केवल आपकी संभावना है, क्या आप अपनी कामनाओं को वश में नहीं कर सके? क्या आपने वश में कर लिया है? आपको ज्ञात है देवराज, मेरी 27 पत्नियां हैं, मैंने इनसे पृथक कभी किसी की कामना नहीं की। यह सत्य नहीं है, यदि आप कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लेते तो उर्वशी के साथ चंद्रलोक से इंद्रलोक नहीं आते, आप उर्वशी की माया के अधीन होकर उसके साथ चले आए, अन्यथा आप मुझसे बचना चाहते। और चंद्र समझ गए कि देवराज ने उनकी परीक्षा ली जिसमें वे सफल नहीं हुए, अब उनके पास कोई अन्य तर्क नहीं था और उन्होंने देवराज की योजना में भाग लेने की स्वीकृति दे दी। अब देवराज चंद्र के माध्यम से ऐसे चक्रव्यूह की रचना में लग गए जिसमें अहिल्या फंस जाए और उनकी कामना पूरी हो। तो देवराज का वो कौन सा चक्रव्यूह था? क्या उनके चक्रव्यूह में अहिल्या फंस गई? उत्तर जानने के लिए सुनते रहें पंच कन्याओं में एक अहिल्या की कथा, केवल ऑडिटेल्स पर।